अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोवेव ओवन को हम किस तरह आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन अगर आपका ये डिस्प्ले ऑन होता है, सारे फंक्शन काम करते हैं, मगर इसकी हीटिंग काम नहीं करती, आप कोई खाना वगैरह इसमें रखते हैं वो गर्म नहीं होता, तो इसका आसान हल मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर खुद ठीक कर सकते हैं। सिर्फ़ एक पेच का सा आपको चाहिए इसको खोलने के लिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इस प्रोसेस की कंप्लीट समझ आ सके। अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हों तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह बरवक्त जवाब दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चले शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसका ये जो मेन प्लग है इसको लाजमी उतारना है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होते हैं जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसके प्लग को उतारने के बाद इस तरह का आपको एक पेचकस चाहिए। तो इसको उतारने के लिए यहाँ पे इसके कुछ पेचों को मैंने खोला हुआ है, तो ये चंद एक पेच हैं, इनको मैं आपके सामने ये खोल लेता हूँ। इस कवर को खोलने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से इसको पीछे की तरफ पुश करना है। सारे पेचों को खोलने के बाद यहाँ से पकड़ के इसको पीछे की तरफ पुश करें, या इसको यहाँ से इस तरह पीछे की तरफ पुश कर लें, तो ये आप ये ऐसे खुल जाएगा। ये हमारा ये कवर उतर चुका है। इसके बाद आपने इस साइड पे आ जाना है, इस वाले पोर्शन की तरफ। अगर आपका माइक्रोवेव ओवन ऑन तो होता है, यानी कि इसका डिस्प्ले वगैरह सारा शो होता है, मगर ये हीटिंग नहीं करता, तो यहाँ पे इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए आपको मैं ये एक सिंपल सा हल बताता हूँ इसका। यहाँ पे इस वाले डब्बी को आपने खोल लेना है किसी टेस्टर की मदद से या पेचकस की मदद से। इस डब्बी को आप खोलेंगे तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखें, यह डब्बी हमारी खुल चुकी है। यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग सा नज़र आएगा, या इसकी जगह एक फ्यूज़ होता है। तो अगर ये वाला स्प्रिंग आपका जला हुआ है, टूटा हुआ है, तो इसकी जगह आपने कोई भी एक कॉपर की वायर बारीक सी, जितना ये स्प्रिंग है उतनी ही बारीक कॉपर की जो वायर है आपने यहाँ पे अटैच कर लेनी है। अगर यहाँ पे कोई फ्यूज़ वगैरह लगा हुआ है तो उस फ्यूज़ को आपने चेंज कर लेना है। 10 या 15 रुपए का एक फ्यूज़ आएगा, उसको आपने यहाँ लगा लेना है, तो ये आपका ओवन ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी ये डब्बी को इस तरह बंद कर देना है जैसे आपने इसको खोला है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं। अगर ये आपका कवर ऊपर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में करंट आ सकता है, ओवन की बॉडी में करंट आ सकता है, तो इसलिए आपने ये इसका कवर जो है उसको लाजमी इसके ऊपर देना है ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे कवर हो चुका है। इसके अलावा भी इसमें फॉल्ट आते हैं, ये इसका मेन फ्यूज़ है। अगर आपकी मुकम्मल पावर नहीं आ रही, डिस्प्ले भी नहीं ऑन हो रहा, तो आप ये वाला फ्यूज़ चेंज करेंगे। ये मार्केट से बआसानी आपको ये फ्यूज़ मिल जाएगा, तो इस फ्यूज़ को आपने चेंज कर लेना है। तो दोस्तों, इसमें कोई ख़ास बड़ा मसला आता नहीं है आमतौर पर, तो इसको आप आसानी से घर पर खुद ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं या अगर आपका कोई और मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बरवक्त जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।